नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा। वक्त है खबरें फटाफट का, आइए शुरू करें। रिकांगपियो में हुआ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का रोड शो, शिल्प महोत्सव का किया आगाज। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी नहीं, प्रतिभा सिंह ने कहा सिरमौर में मंच पर आ गए थे ज्यादा लोग। अब दो टर्म ही चुनाव लड़ पाएंगे हिमाचल के कर्मचारी नेता, सरकार की अधिसूचना से खफा हुए मुलाजिम। दिव्य हिमाचल जल्द लेकर आ रहा है डांस हिमाचल डांस सीजन 8, ब्रॉट यू बाय अर्नी यूनिवर्सिटी, इवेंट पार्टनर टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई। अगर आप में भी है नृत्य की कला तो गौर फरमाइए, आपके टैलेंट को दिव्य हिमाचल देगा मंच। 10 जून से प्रदेश भर में ऑडिशंस शुरू, मेगा प्राइज टीवीएस जुपिटर और जीतें कई आकर्षक उपहार, साथ ही पाएं टेरेंस लुइस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलेगी अर्नी यूनिवर्सिटी की ओर से स्पेशल एजुकेशनल स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। डांस हिमाचल डांस की हर अपडेट के लिए लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज। बने रहिए हमारे साथ। यूजीसी पे स्केल न मिलने पर शिक्षकों का विरोध जारी, नाराज प्राध्यापकों ने एचपीयू में निकाली आक्रोश रैली। फसलों की बेहतरीन कीमतों के लिए किसानों को करना पड़ेगा संघर्ष, ऊना पहुंचे राकेश टिकैत ने किया आह्वान। बाथू की लड़ी के चढ़ावे और मंदिर की देखरेख के लिए बनेगी कमेटी, जिवाली में पंचायत वासियों ने बैठक में बनाई रणनीति। ऊना में लोगों ने रोका नाले का निर्माण कार्य, एसडीएम के द्वार पहुंच प्रभावितों ने मांगा हस्तक्षेप। हिमाचल के स्कूलों में योग और संस्कृत विषयों को शुरू करने की तैयारी, शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष का बिलासपुर में खुलासा। नगर निगम मंडी के एरिया में अब साफ सफाई की टेंशन खत्म, ठेकेदारों के अलावा स्वच्छता मित्र भी देखेंगे व्यवस्था। जंजैहली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बनने के लिए प्रशासन ने 2 जुलाई तक मांगे आवेदन, 4 को एसडीएम ऑफिस में होगा इंटरव्यू। पालमपुर पहुंचा डांस हिमाचल डांस का कारवां, ऑडिशन में सैकड़ों प्रतिभागियों ने आजमाया भाग्य। 12 साल बाद कालसी उत्तराखंड से चूड़धार पहुंची 5,000 श्रद्धालुओं की जातर, शिरगुल देवता को स्नान करवाने के बाद निभाई धार्मिक रस्में। नगरोटा बगवा में खेल मंत्री ने नवाजे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग का 7 दिन बाद समापन। खबरें फटाफट में आज के लिए बस इतना ही, देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।